तत्सत। प्रिय जिज्ञासु, मासिक राशि भविष्य के संदर्भ में दिसंबर 2020 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वो दर्शा रहा हूँ। मकर राशि वालों के लिए दिसंबर माह गोचर ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। गोचर ग्रहों में शनि और गुरु आपकी स्वयं की राशि पर विराजमान हैं और मंगल देव आपकी राशि से तीसरे स्थान पर रहेंगे और शुक्र देव 11 तारीख तक तो आपकी राशि मकर से वो तुला पर हैं तो तुला राशि और वृश्चिक पर रह जाएंगे 11 तारीख को, तो आपकी राशि से 11वें हो जाएंगे। अभी दशम चल रहे हैं और आपके जो बुधदेव हैं और सूर्यदेव, बुधदेव 17 दिसंबर को 12वें हो जाएंगे और 15 दिसंबर को आपके सूर्यदेव भोगी 12वें हो जाएंगे। इस प्रकार से 9 ग्रहों का जो परिवर्तन है वो इस महीने में, जो 4 ग्रहों का परिवर्तन है और चारों ग्रह अपने अपने हिसाब से स्वभाव के अनुसार फंकते हैं। जैसे सूर्य है उसका परिवर्तन है तो सूर्य ऊर्जा शक्ति देने वाला है, ऊर्जा को बढ़ाने वाला है, ऊर्जा बढ़ाएगा। गवर्नमेंट से संबंधित कोई कार्य है, अगर अच्छे सूर्य है बुरे सूर्य है तो वो गवर्नमेंट के संबंधित कार्य, जो गवर्नमेंट की परीक्षाओं में निर्धारित बैठे हुए हैं, परीक्षाएँ देना चाहते हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, UPS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या कोर्ट मुकदमा जिनको चल रहा है उनके लिए है, वो सूर्य का परिवर्तन आपके लिए क्या करेगा। और उसके साथ साथ में बुध का परिवर्तन 17 दिसंबर को हो रहा है, 17 दिसंबर को बुध का परिवर्तन क्या कराएगा। बुध का परिवर्तन आपको व्यापार का कारक है इसलिए व्यापार में वृद्धि करेगा या व्यापार में हानि करेगा, जैसी स्थिति होगी। मकर राशि वालों के लिए अलग है और दूसरी राशियों वालों के अलग, सबकी राशि के अलग अलग है जैसा नंबर जिसका लग जाए। और मंगल देव का परिवर्तन 24 दिसंबर को हो रहा है, 24 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे मंगल, तो मंगल अच्छे हैं या खराब है वो मंगल अपने राशि परिवर्तन के साथ अपना प्रभाव स्वभाव दिखाएंगे। इस प्रकार से ये 4 ग्रहों का इस दिसंबर मास में परिवर्तन होने जा रहा है। संसार के ऊपर भी इनका प्रभाव पड़ेगा, मंगल का परिवर्तन मिलिट्री या पुलिस के ऊपर प्रभाव डालेगा, अच्छा होने जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगा। बुध का परिवर्तन व्यापार के ऊपर प्रभाव डालेगा, शुक्र का परिवर्तन स्त्रियों के ऊपर और प्रेम संबंधों के ऊपर, वैवाहिक जीवन के ऊपर प्रभाव डालने वाला रहेगा। सूर्य का परिवर्तन गवर्नमेंट से संबंध कोर्ट मुकदमा कचहरी आदि में परिवर्तन करने वाला है, जो परीक्षाएं प्रतियोगिता की परीक्षाएं दे रहे उनके लिए जो है तो प्रभाव डालने वाला है। इस प्रकार से 4 ग्रहों का जो परिवर्तन है वो क्रमशः इस प्रकार से मकर राशि वालों के लिए क्या करेगा वो दर्शा रहा हूँ। मकर राशि का स्वामी होता है शनि और शनि विराजमान है इस समय आपके स्वयं की राशि पर। जब स्वयं की राशि पर शनि होता है तो सस योग मनाता है और केंद्र में है, केंद्र में शनि हो और स्वयं की राशि या उच्च का हो तो सस योग नामक राजयोग बनाता है। तो मकर राशि को ये राजयोग दर्शा रहा है, मकर राशि वालों के लिए शनि अपने घर का है इसलिए राजयोग कर रहा है। अब राजयोग तो कर रहा है, राजयोग में क्या होता है, भौतिक सुख साधन संपन्नता होना, अच्छा भवन अच्छा वाहन प्राप्त होना, भवन भूमि वाहन ऐसो आराम सुख सुविधाएं सब प्रदान होना, इच्छा के अनुसार फल मिल जाना, सारे कष्टों का निवारण हो जाना, यही राजयोग है। इस प्रकार से ये शनिदेव बहुत आपकी मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन एक जगह अच्छा फल दे दूसरा भी है, हानि का स्थान को देख रहे हैं। तो आपके जो है सो तृतीय स्थान पर उनकी दृष्टि है, अपने घर में बैठे हैं तो पराक्रम को छोटे भाई बहनों को देख रहे हैं, तो इनकी थोड़ी सी मरम्मत करना है। छोटे भाई बहनों को तकलीफदायक रहेंगे, उनके लिए कष्टों का मतलब भंडार भरने वाला है। और आपका जो मेहनत है वो लूज मेहनत होगी, ढीली मेहनत होगी, मेहनत में आप कमजोर रहेंगे। और अब जब आपके राशि पर है तो आपके कर्म क्षेत्र में और आपके पिता के लिए भी हानिकारक है। पिता के लिए और कर्म लिए का हानिकारक कैसे है कि आपका जो जॉब चल रहा है वो जॉब छूट सकता है या जॉब में कुछ परिवर्तन हो जाए,
मतलब जॉब के संबंधित कोई परेशानी बढ़ जाएगी प्राइवेट जॉब में खास करके, और यह सो आपके पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको क्योंकि पिता के स्वास्थ्य बिगड़ने के योग दिख रहे हैं। साथ साथ में आपके पत्नी का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या स्वभाव बिगड़ सकता है। इस प्रकार से शनिदेव आपके जो है एक जगह अच्छा कर रहे हैं तो दूसरी जगह थोड़ी सी परेशानी का योग भी बना रहे हैं। और गुरुदेव क्या कर रहे हैं, गुरु भी आपकी मकर राशि पर विराजमान हैं। जब आपकी राशि पर गुरु विराजमान हैं तो चिंता कारक है। आप देखिए गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ चिंता कारक है, तो यहाँ पर बैठ रहे हैं, बैठे हैं आपकी राशि पर तो चिंता कारक है, लेकिन नीच भंग राजयोग में विराजमान है इसलिए अच्छा फल देने वाले हैं। गुरु अभी बाल में चल रहे थे वो हानि कर रहे थे, लेकिन अब आपकी राशि पे आ चुके हैं तो गुरुदेव बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। और साथ साथ में यही गुरुदेव जो है जो आपके राशि पर जब पहुंच गए हैं तो आपके संतान के सुख को देने वाले हैं। संतान बाधा दूर होगी, संतान को जो कष्ट हो रहा है वो दूर हो जाएगा। ये 20 तारीख से ही हो चुका है, 20 नवंबर से ये सब कार्यक्रम हो गया है, लेकिन अभी जो है तो इस महीने में पूरा जो का त्यों रह गए संतान का सुख देंगे। विद्या बुद्धि पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई लिखाई के कार्यों में लगे हुए हैं उनके लिए बहुत ही सफलता का समय है। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफलता है। बौद्धिक पराक्रम अच्छा रहेगा और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता का भी योग है। जहाँ प्रेम प्रसंग चल रहे हैं वो अच्छी तरह मजबूत होने की संभावना दिख रही है। और आपका जो मन है प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और मन में प्रेम उमड़ता है तो हर जगह मनुष्य समाज से प्राणियों से प्रेम करने की इच्छा आपको जागृत ज्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से गुरुदेव आपके जो है सो राशि पर चल रहे हैं तो पंचम दृष्टि से जो है सो प्रेम प्रधान को देख रहे हैं, आपके संतान को देख रहे हैं, विद्या बुद्धि को देख रहे हैं, आपके बौद्धिक स्तर को देख रहे हैं। और भाग्य के स्थान पर तो बहुत ही ज्यादा मजबूती आने वाली है। मकर राशि वालों का भाग्य प्रबल होने वाला है और आपकी तीर्थ यात्रा हो सकती है, धार्मिक प्रसंग हो गए, धार्मिक कार्य करने का आयोजन बनेगा जिसमें आपको प्रसन्नता बढ़ेगी और धार्मिक कार्यों के साथ मन भी आपका मन बुद्धि आपको धार्मिक कार्यों में विशेष लगेगा। इस प्रकार से आपकी मानसिकता होने के संकेत दिख रहे हैं। साथ साथ में आपके संतान भाव को देख रहे हैं, विद्या बुद्धि को देख रहे हैं और भाग्य को देख रहे हैं। इस प्रकार से गुरुदेव भी आपको अच्छा कार्य कराने वाले हैं। और राहु देव आपकी राशि से पांचवें हैं, पांचवें राहु क्या कर रहे हैं, पंचम राहु जो है आपकी राशि से होने से अब वो पंचम भाव संतान का है तो संतान के लिए अचानक कोई चिंता कार्य, अचानक कोई चिंता बढ़ाने वाले हैं। वो बढ़ गए हैं तो चिंता बढ़ाने वाले हैं, वो 1.5 साल रहेंगे, वो चिंता 1.5 साल तक रहेगी, इसलिए आपको गोमेद धारण करना चाहिए, चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से राहु देव जो है सो चिंता बढ़ाने वाले हैं। और मंगल देव क्या कर रहे हैं कि मंगल देव आपकी राशि जो मकर है उससे तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। तृतीय स्थान भाई बहन छोटे भाई बहनों का है, वहाँ पे आनंददायक है, खास करके आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी, आपका ओज तेज ये सब बढ़ जाएगा और शारीरिक क्षमता अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित होने लगेगी और आपके छोटे भाई बहनों के लिए सहयोग कारक रहेगा, उनका सहयोग आपको बड़ा मिलने लगेगा। इस प्रकार से दिसंबर माह में आपके लिए मंगल भी वरदान सिद्ध होंगे। तीसरे मंगल जो है तो बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। और इस प्रकार से रोग शत्रु को ये मंगल देव देख रहे हैं तो रोग शत्रुओं का विनाशक है, अचानक जो है तो जो रोग है वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, रक्त विकार का संयोग बनाते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार से मंगल देव भी अच्छा कार्य आपकी मकर राशि के लिए कर रहे हैं। मंगल देव जब ये मकर राशि के लिए कर रहे हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, और केतु की स्थिति क्या है, केतु अभी वृश्चिक राशि पर चल रहे हैं और वृश्चिक राशि यानी 11वें भाव में है। 11वां भाव में जब वृश्चिक राशि पर जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं, बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं इस समय मंगल। हाँ, मंगल देव मकर राशि वालों के लिए चौथे होने वाले हैं 24 दिसंबर से जब चतुर्थ हो जाएंगे तो सुख में बाधा पहुंचाएंगे और यह सो माता का स्वास्थ्य बिगाड़ेंगे। ये आपके चौथे सूर्य 24 दिसंबर के बाद होने वाले हैं।
मंगल देव बताया केतु क्या है, ग्यारहवें एकादशे सर्वलाभम, ग्यारहवें भाव में 3, 6, 11 इन स्थानों में राहु केतु शनि बहुत अच्छा फलदायक होते हैं, इसलिए ग्यारहवां लाभ भाव है। और बड़े भाई बहनों का भाव, बड़े भाई बहनों का बहुत सहयोग व सुख मिलेगा और लाभ मार एकदम अचानक जो कभी नहीं मिला ऐसा अचानक लाभ मिलने के योग भी मिल रहे हैं। इस प्रकार से केतु देव अच्छा कार्य कराएंगे। साथ साथ में शुक्र देव भी 11 तारीख को राशि परिवर्तन करके और आपकी राशि पर आ रहे हैं, अभी तुला राशि पर चल रहे हैं और 11 दिसंबर को आपकी राशि पर आ जाएंगे। जब स्वयं की राशि पर शुक्र देव आएंगे तो आपका सौष्ठव बढ़ेगा, आपका प्रसन्नता बढ़ जाएगी, आपको हंसी और खुशी का समय लग जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है तो भौतिक सुख साधनों के साथ साथ में आनंद मोह शोक का कारक ग्रह होता है, इसलिए आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी, मोह शोक प्रसन्नता का वातावरण तैयार होने लगेगा और आपका जो चेहरा मोरा है उसमें एकदम प्रकट रूप में आपका दीप्यमान चेहरा दिखने लगेगा। ये 24 तारीख 11 तारीख के दिसंबर के बाद की स्थिति बनेगी। और बुधदेव क्या करेंगे, बुधदेव आपकी राशि से बाद में होंगे और सूर्यदेव 15 तारीख से बाद में होंगे, तो 17 तारीख को तक तो ठीक है, एकादश सर्व व्यापार में लाभ दिलाने वाले हैं 17 तारीख तक, 17 तारीख के बाद में ये बुधदेव आपको हानि करने वाले हैं। ये कहाँ पहुँचेंगे, आपके बारहवें स्थान पर पहुँचेंगे, तो व्यापार में कुछ नुकसान की संभावना दिख रही है, उस समय व्यापार सोच समझ के करें अन्यथा बड़ी हानि हो सकती है, तो व्यापार में घाटा का सौदा बन सकता है। सूर्यदेव जो है तो वो भी बारहवें आपके 15 तारीख से हो जाएंगे, अभी तो सूर्य एकादश सर्वलाभम सब प्रकार से लाभ भाव में स्थान में चल रहे हैं, तो ग्यारहवें सूर्य आपको शासन से प्रशासन से गवर्नमेंट से विशेष लाभ देने वाले हैं, जिनका कोर्ट मुकदमा कचहरी चल रही उनको लाभ देने वाले हैं, जिनका जो पढ़ाई लिखाई गवर्नमेंट की तैयारी चल रही उनके लिए भी उत्तीर्ण होने का समय चल रहा है, लेकिन 15 तारीख के बाद यही सूर्य जब बाद में हो जाएंगे तो इन सब चीजों में नुकसान पहुंचाने वाले होंगे और खास करके गवर्नमेंट से संबंधित आपको कार्य नुकसान कोई बड़ा हो सकता है और आपकी बाई नेत्र में तनाव आ सकता है, उसमें ऊष्मा गर्मी पैदा हो सकती है, ये इस प्रकार से सूर्यदेव कराने वाले हैं। इस प्रकार से 9 ग्रहों का जो फल है वो क्रमशः मैंने आपको दर्शाया और आप जो है आशा करता हूँ कि आप मेरे इस एपिसोड को सब्सक्राइब करेंगे, तो मंगल कामना करता हूँ। हरिओम।